इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपका हर दिल अजीज हम जुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं भारत के विभाग विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक मुंह जवानी की, वो मुंह जवानी जिसे सुनकर भारत का पड़ोसी और दुश्मन देश तथा चीन का दोस्त हांफने लगा है। मैं बात कर रहा हूं हाल में ही सऊदी अरब की राजधानी जेद्दाह गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा की, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। यहां तक तो कोई नई बात नहीं है, जमाने को पता है कि इस यात्रा में क्या कुछ हुआ। दरअसल दुनिया में मौजूद भारत के दुश्मनों को खुले मंच से दो टूक खरी खरी सुनाने के लिए चर्चित एस जयशंकर ने इस बार चालाक चीन के मतलब परस्त दोस्त और भारत के पड़ोसी कट्टर दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को पानी पानी करके फिर पसीने ला दिया है बिना कुछ कहे सुनाए। यह बताना जरूरी है कि विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर की सऊदी अरब की यह पहली आधिकारिक यात्रा भी थी। एस जयशंकर की इस यात्रा को सफल बताते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि यात्रा सफल रही और काफी कुछ भारत को सऊदी अरब को संबंध आगे बढ़ाने के लिए मिला भी है। इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब राजनीतिक, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, खान पान, संस्कृति के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत बनाने की ओर अग्रसर भी नजर आया। बात जब भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की हो तो बताना जरूरी समझता हूं कि अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल हिंदुस्तान सऊदी अरब से ही खरीदता है। हालांकि सन 2021-22 में भारत ने सऊदी अरब से $34 बिलियन का सामान भी आयात किया था, वहीं सऊदी अरब ने भारत से करीब $8.76 बिलियन का सामान मंगवाया था। सऊदी अरब अक्सर भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान की भी मदद के लिए आगे आता रहता है। यह अलग बात है कि जब से सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने हैं और उधर पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई, तो दोनों देशों के बीच उतने ज्यादा मधुर संबंध नहीं रहे जितना कि उम्मीदें लगाई जा रही थी, या जैसे रिश्ते पाकिस्तान में इमरान की सरकार बनने से पहले सऊदी अरब के साथ हुआ करते थे। यहां ये बताना भी जरूरी समझता हूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते कूटनीतिक, व्यापारिक, सामरिक संबंधों को लेकर जो कुछ कहा वो सब भला पाकिस्तान को कैसे पच सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पेट में पानी पानी होना लाजमी है। मतलब एस जयशंकर भले ही सऊदी अरब यानी जेद्दाह में हुई इस मुलाकात को लेकर खुलकर पाकिस्तान पर कुछ ना बोले हों, मगर उन्होंने जिस तरह से भारत और सऊदी अरब के संबंधों को आगे बढ़ने बढ़ाने का इशारा किया है, वो भी पाकिस्तान को हजम कर पाना आसान नहीं है। शायद इसे ही कहते होंगे सांप भी मर गया और लाठी भी टूटी नहीं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक के लिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।